तो नमस्कार मेरे प्यारे रेल प्रेमियों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक EMD लोकोमोटिव काम कैसे करता है। तो हमारे इंडियन रेलवेज में सिर्फ डीजल ही नहीं, तो डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक टाइप के भी लोकोमोटिव होते हैं, और अब तो सरकार 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे काफ़ी जोर बना रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काम कैसे करता है। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, इस ट्रेन सफर में मेरे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। तो आज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम AC ट्रैक्शन टाइप के लोकोमोटिव के वर्किंग के बारे में जानेंगे। अब हमारे शेक्सपियर जी कहे गए, व्हाट्स इन अ नेम, पर यहाँ सब कुछ हमारे नाम में ही है, AC ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इस नाम से ही हमें ये पता लग रहा है कि ये लोकोमोटिव AC टाइप के वोल्टेज पे चलता है, और ये AC वोल्टेज इन्हें ट्रैक्स के ऊपर से जाने वाले OH लाइन से मिलता है। ये वोल्टेज अराउंड 25 किलोवोल्ट्स तक होता है। इसका मतलब हमारे घर में आने वाले वोल्टेज से करीब करीब 100 गुना ज़्यादा। ये 25 KV का वोल्टेज लोकोमोटिव में लगे ट्रांसफार्मर तक पहुँचाया जाता है। इस काम में हमारा पेंटोग्राफ हमें मदद करता है। ये OH लाइन से कॉन्टैक्ट बनाता है पूरे वर्किंग पीरियड में, और OH लाइन्स के वेरिएबल हाइट के अनुसार ये पेंटोग्राफ की हाइट भी एडजस्ट होती है। ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के बाद 25 किलोवोल्ट्स का वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज तक ड्रॉप डाउन किया जाता है, और इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन टाइप का होता है। तो यहाँ से होती है दोस्तों हमारी कहानी शुरू। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करने के बाद इस AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट किया जाता है, और इस काम में हमारा मेन रेक्टिफायर मदद करता है। ये रेक्टिफायर गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर मेथड का होता है। तो थोड़ा सा डीप में अगर हम देखें तो कम से कम पावर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इसलिए पावर फैक्टर को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, और इसी के लिए हमारे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का एक सर्किट नेटवर्क यूज किया जाता है। अब वापस आते हैं कहानी में। कन्वर्ट किया हुआ DC वोल्टेज दो इन्वर्टर्स में बांटा जाता है। एक है मेन इन्वर्टर, जो है हमारे कहानी का हीरो, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी इन्वर्टर। ये इन्वर्टर ऐसे होता है जैसे मुन्ना भाई में सर्किट, कबीर सिंह में शिवा, और शोले में वीरू है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जितना इम्पोर्टेंट काम हमारा मेन इन्वर्टर कर रहा है, उतना ही जरूरी काम हमारे ऑक्सिलरी इन्वर्टर का भी होता है। मेन इन्वर्टर से DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करने के बाद ट्रैक्शन मोटर्स को दिया जाता है। इस इन्वर्टिंग टेक्नोलॉजी में हमारे गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर का यूज होता है। अब आप सोचेंगे कि AC से AC में ही देना है तो उसे DC में क्यों कन्वर्ट करना। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो वोल्टेज हमें OH लाइन से मिल रहा है वो सिंगल फेज टाइप का है, और जो हमारे ट्रैक्शन मोटर्स यूज हो रहे हैं वो 3-phase टाइप के हैं। तो इसलिए सिंगल फेज से 3-phase में कन्वर्ट करते वक्त उसे हमें पहले DC में लाना पड़ता है। तो इस काम में 3 थायरिस्टर का यूज किया जाता है, जो कि अपने स्विचिंग एक्शन से 3 अलग अलग फेज बनाते हैं, और जो एक दूसरे से 120 डिग्री में शिफ्टेड होते हैं। तो कुछ एडिशनल सर्किट इसके आगे लगाए जाते हैं, जो कि हमारे आउटपुट वेवफॉर्म को शेप में लाते हैं और उसे प्योर साइनोसॉइडल बनाते हैं हमारे ट्रैक्शन मोटर्स के लिए। तो अब जानते हैं हमारे साइड हीरो का रोल, मतलब ऑक्सिलरी इन्वर्टर का रोल। तो इससे तैयार होने वाली 3-phase पावर लोकोमोटिव्स के कूलिंग फैंस, कॉम्प्रेसर्स और ब्लोअर्स को चलाती है, और इसी में से कुछ पार्ट फिर से DC में कन्वर्ट किया जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए। तो लोकोमोटिव में लगे बैटरीज पेंटोग्राफ के ऑपरेटिंग के लिए और लोकोमोटिव के कुछ एक्सेसरी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए यूज होती है। तो अगर हम बात करें इसके स्पीड कंट्रोल की, तो AC कन्वर्जन के वक्त माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलिंग से थायरिस्टर का स्विचिंग कुछ इस तरह कंट्रोल किया जाता है, जिससे हमें अलग अलग रेंज में वोल्टेज मिलता है, और इसी के साथ साथ हम इसकी फ्रिक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी के साथ हम इसका फेज भी मेंटेन रख सकते हैं। तो इतने सारे क्वांटिटीज को मैनेज करते हुए हम ट्रैक्शन मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिससे हमारे लोकोमोटिव की स्पीड कंट्रोल होती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ इस स्टेशन पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले स्टेशन पर एक नए टॉपिक ट्रेन के साथ।